परवल की उन्नत पैदावार के लिए उर्वरक, खाद और सिंचाई प्रबंधन भी एक जरूरी प्रक्रिया है। तो चलिए अब इसकी सिलसिलेवार जानकारी भी ले लेते हैं। परवल की अधिक उत्पादकता के लिए गोबर की सड़ी खाद एवं उर्वरक का उचित मात्रा में प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। जनवरी महीने में नए पौधों के पास 16 से 20 सेंटीमीटर व्यास की गोलाई में पिंडी छोड़कर उसके बाहर 30 से 35 सेंटीमीटर चौड़ाई और 40 से 45 सेंटीमीटर गहराई की मिट्टी निकालकर 10 से 12 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 5 से 7 किलोग्राम बालू, शेष खेत की उपजाऊ मिट्टी, 250 ग्राम डीएपी, 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 50 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम नीम की खली और 100 ग्राम बुझा हुआ चूना मिलाकर गड्ढे को सही तरीके से दबाकर भर देते हैं। इसके बाद थालों के चारों तरफ मिट्टी से खरपतवार निकालकर मिट्टी को फिर से समतल बना देते हैं। उर्वरक डालने के बाद अगर आपको नमी की कमी दिखाई दे तो आवश्यकता अनुसार पौधों के पास हल्की सिंचाई जरूर करें। फरवरी व मार्च महीने में पौधों के चारों तरफ लगभग 10 सेंटीमीटर छोड़कर 25-25 ग्राम यूरिया को दो बार टॉप ड्रेसिंग करें। किसान भाइयों, परवल की खेती के लिए सिंचाई और जल निकासी पर भी ध्यान देना अति आवश्यक होता है। पौधा लगाने के बाद कल्ले फूटने तक हल्की सिंचाई करके हमेशा नमी बनाए रखना जरूरी होता है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में पौधों के पास आवश्यकता से अधिक पानी न जमा रहे, इसलिए जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्था जरूर कर लें।